वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू साई विनायक अकाउंट्स क्लासेस और हम अकाउंट्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप से ओवरऑल पार्टनरशिप के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं सेवन और सेवन चैप्टर्स के अंदर सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे जिनकी वेटेज और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको वेटेज के साथ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर हम उसके वन टू वन क्या करेंगे क्वेश्चन तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास तो टॉपिक एक कॉमन टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उसके अंदर हमें क्या क्या करना है फर्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया हमारा डिटरमाइन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो सेकेंड कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस नेक्स्ट आ गया रीवैल्युएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज और लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए टोटल के टोटल सेवन चैप्टर्स हैं और हम सेवन के सेवन चैप्टर्स को एक साथ करेंगे बिकॉज बोर्ड का एग्जाम है तो बाइफरकेशन नहीं सिर्फ दिमाग लगाना है कॉन्सेप्ट समझना है और सेवन के सेवन चैप्टर्स एक साथ खत्म हो जाएंगे तो मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि सर इनमें से कौन से टॉपिक्स कन्फर्म है बोर्ड एग्जाम के अंदर और उनकी क्या वेटेज है तो अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो तो आप सब बच्चों को पता है सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो ये होता है सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला और अगर हम बात करें गेनिंग रेशो की तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है हमारे पास उल्टा कर देते हैं हम न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो अब सर इस कॉन्सेप्ट को कंफर्म पेपर में आना है और इसकी जो वेटेज है वो रहेगी सिर्फ वन मार्क इट मींस बीच बीच में आपसे हाफ ऑफ मार्क्स में पूछ सकते हैं दो तीन क्वेश्चंस के अंदर कि कैल सेक्रीफाइजिंग रेशो कैसे करते हैं या उसका यूज कैसे है तो याद रखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो हम अपनी नॉर्मल क्लासेस में हमेशा किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो की तो फॉर्मुला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आगे चलते हैं सेकेंड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है पूरी की पूरी पार्टनरशिप के अंदर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर चैप्टर पूरी पार्टनरशिप में रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट है और कितने नंबर ऑफ रिजर्व हमारे पास होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं एंड एक्यूमलेटेड लॉसेस क्या होते हैं उनका ट्रीटमेंट क्या है और जो इसकी वेटेज है इसकी वेटेज है थ्री मार्क्स इसका मतलब अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर वन मार्कर वन मार्कर छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट छुपे होंगे तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप में तीन नंबर इसके ऊपर होंगे सर इसका क्या करना है उसके बाद है हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट तो रीवैल्यूएशन की वेटेज नियर अबाउट सिक्स मार्क्स सिक्स मार्क्स की रिवेल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे फिर लास्ट में आ गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है तो इसकी आपको वेटेज मिलेगी टू मार्क्स तो अगर आप ध्यान से देखें इन चार कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी जो वेटेज बन रही है वन और थ्री फोर फोर और सिक्स टेन और टू ट्वेल्व तो बारह नंबर इसी के अराउंड घूम रहे हैं तो हम एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझते हो जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं करेंगे। तो आगे चलते हैं आपके साथ तो पहला आ गया सेक्रीफाइजिंग रेशो और सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मुला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा फास्ट मूविंग करेंगे नेक्स्ट आ गया गेनिंग रेशियो गेनिंग रेशियो का फॉर्मुला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो फिर आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्स्यूमिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस इनके बारे में बात करते हैं अब यहां से दोस्तों कहानी शुरू होती है हमारी पार्टनरशिप की और पूरी की पूरी पार्टनरशिप इसी पर डिपेंड है आपको बार बार ये छोटे छोटे पॉइंट्स तंग करेंगे तो आज इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं और पूरी की पूरी पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ये दे रखी है बैलेंस शीट बैलेंस शीट के अंदर मैंने कुछ आइटम्स लिखी हुई हैं इन आइटम्स को एक बार रीड कर देता हूं आप सबके लिए जर्नल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कॉन्टीजेंसी रिजर्व एनी अदर रिजर्व अगर आप ध्यान से देखें सबके लास्ट में रिजर्व लिखा हुआ है इट मीन्स अ रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करना है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसमें से दो रिजर्व का स्पेशल ट्रीटमेंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है क्या ट्रीटमेंट है उसको भी हैंडल करना है आज नीचे दे रखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्यूमलेटेड प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स ये तीन आपको प्रॉफिट दे रखे हैं और यहां दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डेफेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ये तीन आपके लॉसेज हैं अब क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं मैं सारी की सारी पार्टनरशिप आपके साथ स्मार्टली काम करूंगा पूरी पार्टनरशिप शॉर्ट में कवर करा दूंगा तो आप आराम से समझें बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड को हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस और बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड को बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस इस बात को आप बहुत ध्यान रखेंगे हमेशा बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड होती है क्रेडिट साइड और असेट साइड होती है डेबिट साइड बट बोर्ड एग्जाम में व्हेन यू प्रिपेयर द बैलेंस शीट उस बैलेंस शीट में आप कभी नहीं लिखेंगे कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड तो ये तो मेरी और आपकी बीच की अंडरस्टैंडिंग है हमें समझ आना चाहिए कि सर क्रेडिट साइड होती है लाइबिलिटी साइड और असेट साइड होगी हमारी डेबिट साइड बट आप बोर्ड एग्जाम में बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे उसके पीछे भी मैं आपको रीजन बता देता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरे से कि सर बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट क्या हमें लिखना है तो मैं कहता हूं आंसर इज नो रीजन डेबिट और क्रेडिट ये एक अकाउंट के ऊपर लिखा जाता है मींस लेजर अकाउंट में होता है डेबिट क्रेडिट बट बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट इट इज अट बैलेंस शीट क्या होती है इट इज अट और शीट में कभी डेबिट क्रेडिट नहीं होता बट अगेन कम टू द क्वेश्चन मैं आपको क्यों बता रहा हूं बिकॉज ये याद करने से हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली कवर हो जाएंगे तो लास्टली रिपीट असेट साइड होती है डेबिट बैलेंस याद रखेंगे आप और लाइबिलिटी साइड होती है क्रेडिट बैलेंस अब सर करना क्या है असेट साइड में जो ये तीन आइटम्स दे रखी हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहली बात ये होता है लॉस कुछ भी एमसीक्यू आ सकता है इसके अंदर मैंने आपको ओवरऑल वेटेज है और मैं सब कुछ बता दूंगा डिटेल के अंदर तो पी एल अकाउंट अगर असेट साइड में होता है इट मींस लॉस है आपको बिजनेस में लॉस हुआ है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये सारे हमारे क्या है लॉसेस और एक्सपेंसेस और इनको फिक्टिशियस असेट भी बोला जाता है फिक्टीशियस फिक्टीशियस अट्स इनका दूसरा नाम क्या होता है इधर चलते हैं क्रेडिट साइड में भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है और यहां पे जो दिया होता है इसका मतलब होता है प्रॉफिट और प्रॉफिट का एक और नाम एक्यूमलेटेड प्रॉफिट बिजनेस स्टडी में आपने सुना होगा रिटेन्ड अर्निंग्स तो इस तरफ असेट साइड में होते हैं लॉसेस और क्रेडिट साइड में क्या होते हैं प्रॉफिट्स बैलेंस शीट आपको सिर्फ इन आइटम्स को आपको याद रखना है यहां पे टोटल आइटम्स एट आइटम्स हैं और अगर मैं यहां पे आइटम्स काउंट करूं तो असेट साइड में तीन आइटम्स हैं। ये हो गया एक बैलेंस शीट अब मुझे आपको सिखाना है ट्रीटमेंट अब आगे चल के मैं सीधा इतना बोला करूंगा बैलेंस शीट की आठ आइटम और बैलेंस शीट की तीन आइटम इसके अलावा कोई सी और आइटम की बात हम नहीं करेंगे सिर्फ आठ और तीन आइटम की बात करेंगे सेट साइड में लॉस फटाफट रिवाइज करा देता हूँ लॉसेज आते हैं उसका क्या नाम होता है फिक्टिशियस अट्स लाइबिलिटी साइड में रिजर्व आते हैं और क्या आते हैं प्रॉफिट्स सबसे काम की बात बैलेंस शीट में हमारी वीडियोस के अंदर आप देखेंगे कि बैलेंस शीट में असेट साइड होती है डेबिट साइड और लाइबिलिटी साइड होती है क्रेडिट साइड बट बोर्ड एग्जाम के अंदर आप बैलेंस शीट के अंदर डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखेंगे अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कैसे कैसे हमें हैंडल करना है ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस जो मैंने अभी तक आपको बताया था पेपर में किस तरह से हैंडल करना है दो केस आएंगे आपके सामने पेपर में अलग अलग सेट से आपके पास अलग अलग सेट में अलग अलग तरह से क्वेश्चन आता है तो दो तरह से सेट आ रहे हैं आपके पास केस वन और केस टू केस वन में क्या लिखा है वेन पार्टनर्स वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स चाहते हैं सारे रिजर्व सारे के सारे, सारे, सारे प्रॉफिट्स और सारे के सारे लॉसेस ये सब कुछ हमें क्या करना है ये डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है नॉट टू अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए खत्म कर दिए तो क्या ये नई बैलेंस शीट में आएंगे आंसर इज नो केस नंबर टू पार्टनर्स डज नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स चाहते हैं कि इन रिजर्व प्रॉफिट और लॉसेस को हम अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे इट मीन वो ये कहना चाहते हैं दिस विल अपियर इन न्यू बैलेंस शीट तो ये न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज रहेंगे तो दो तरह से केसेस आएंगे आपको दोनों केसेस को हैंडल करना और मैं आसानी से बता देता हूं अगर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट हम हमेशा करते हैं ओल्ड रेशो में ऑलवेज रिमेंबर डिस्ट्रीब्यूट हम किसमें करते हैं ओल्ड रेशो में अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो तो मैं आपको फिर दोबारा समझाना चाहता हूं बेटा कोई भी चैप्टर नहीं है इंटायर पार्टनरशिप है पूरी की पूरी पार्टनरशिप में इसका ट्रीटमेंट ओल्ड रेशो में बांटना है आपको और अगर बोलते हैं नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट तो इसका ट्रीटमेंट इसको बांटना है सेक्रीफाइजिंग रेशो में क्यों बांटना है क्या रीजन होता है सब आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो में इसको बांटेंगे और सेक्रीफाइजिंग रेशियो में जब हम बांटते हैं तो फाइनली एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर जिसको हम प्यार से बोलते हैं जी टू एस जिसको गेन हो रहा है वो डेबिट जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है वो क्रेडिट और वो कैसे पता चलेगा बाई यूजिंग सेक्रीफाइजिंग रेशो तो मैंने आपको पहले तो कॉन्सेप्ट बता दिया करना क्या है अब हम एक क्वेश्चन भी हैंडल करना सीखते हैं सर इस टॉपिक में क्या होगा आगे ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइजिंग रेशो नीचे लिखा हुआ है ओल्ड रेशो में बांटा है वो बांटा है सेक्रीफाइजिंग रेशो में ये रहा दोस्तों एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है पहले आप आराम से एक बार देख लें केस नंबर वन वन पार्टनर्स वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर चाहते हैं कि इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो मुझे जल्दी जल्दी आप फटाफट बताइए अगर पार्टनर्स चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना तो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड रेशो में खत्म डज नॉट वॉन्ट टू शो इन द न्यू बैलेंस शीट ये दूसरा नाम है तो दूसरा नाम आपको समझ आना चाहिए तीन पार्टनर्स दिए हुए हैं डी ई एफ तीन पार्टनर्स हैं ई एफ प्रॉफिट एंड लॉसेज ये है इनकी ओल्ड रेशो और ये है इनकी न्यू रेशो तो न्यू रेशो पे लगाएंगे क्रॉस आपको समझ आ गया क्यों सर हम न्यू रेशो पे क्रॉस क्यों लगा रहे हैं बिकॉज डिस्ट्रीब्यूट हमेशा किस रेशो में होता है ओल्ड रेशो में अननेसेसरी आपको कंफ्यूज कर रहे हैं अब इसका आगे ट्रीटमेंट देखते हैं ये फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन आराम से देखो बैलेंस शीट के अंदर वही दोबारा से आपको बताते हैं बैलेंस शीट में वही एट आइटम्स दे रखी हैं और यहां पे दे रखी हैं तीन आइटम्स जिनको आपको बाय हार्ट याद रखना है क्वानीजेंसी रिजर्व ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जनरल रिजर्व वन लेख फिफ्टी थाउजेंड कोई भी दिया हो हमारे क्वेश्चन में जनरल रिजर्व क्वानिजेंसी रिजर्व दिया है और यहां पे है सेवनटी फाइव थाउजेंड बताइए प्रॉफिट है कि लॉस है बेटा लाइबिलिटी साइड में क्या होता है प्रॉफिट होता है और जल्दी जल्दी मुझे फटाफट बताओ लाइबिलिटी साइड डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे बताइए लाइबिलिटी का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस फटाफट जल्दी से हमने भी लिख दिया लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस होता है और असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट जी तो तीन इधर रिजर्व दिए हुए थे और यहां दिया हुआ था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वन लाख। अब करना क्या है आपको इस इन एक दो तीन चार इन चारों को आपने क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में करना है ओल्ड रेशो ओल्ड रेशो डीई एफ की ओल्ड रेशो दे रखी है पांच तीन दो खत्म हो गई कहानी मैं आपको फटाफट ट्रीटमेंट कर देता हूं किसी भी चैप्टर में ये आपको आइटम्स मिल जाती हैं फटाफट आंख बंद करके ओल्ड रेशो में बांट देना अब कैसे बांटते हैं मैं आपको जल्दी जल्दी समझाता हूं कैसे ध्यान से समझेंगे मुझे क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वन लेख इसका बैलेंस बताइए इसका बैलेंस क्या है इसका बैलेंस है डेबिट बैलेंस मैं इसे कैसे खत्म करूं बेटा अकाउंट्स इसलिए इजी है क्योंकि अकाउंट्स में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं डेबिट और क्रेडिट मैथ्स के अंदर बड़े सारे सिंबल हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अकाउंट्स में दो ही सिंबल हैं डेबिट और क्रेडिट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस और मैं आपको कह रहा हूं इसको खत्म करो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो तो कैसे खत्म करूंगा अगर कोई डेबिट बैलेंस है तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे क्रेडिट अगर कोई चीज प्लस होती है तो उसे कैसे खत्म किया जाता है माइनस तो इसको डेबिट को मैं कैसे खत्म करूंगा क्रेडिट करके तो आप एंट्री देखें जरा टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है वन लाख मैंने इसे खत्म कर दिया डेबिट था मैंने क्रेडिट कर दिया और ऊपर आप समझदार ऊपर पार्टनर्स का नाम आ जाएगा डी कैपिटल अकाउंट डेबिट ई कैपिटल अकाउंट डेबिट एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट किस रेशो में बांटेंगे ओल्ड रेशो में ओल्ड रेशो कितना था पांच तीन दो तो फटाफट बांटते हैं एक लाख को तो आंसर आएगा फिफ्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड खत्म हो गया इस तरह से आपको ओल्ड रेशो में बांटना है दोबारा आते हैं इसके ऊपर अगर कोई मेरे से पूछे कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्ट्रीब्यूट मतलब खत्म करना है मैं पहले पूछूंगा जनरल रिजर्व का बैलेंस कौन सा है जनरल रिजर्व का बैलेंस है क्रेडिट अब क्रेडिट है इसे खत्म कैसे करेंगे उल्टा कर दो इसको हम क्या करेंगे डेबिट तो एंट्री क्या होगी जर्नल रिजर्व डेबिट कितने से डेबिट करेंगे एक लाख पचास हजार टू 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 पार्टनर्स के नाम डी कैपिटल ई कैपिटल एफ कैपिटल और किस रेशियो में बांटेंगे ओल्ड रेशो में पांच तीन दो तो दस से डिवाइड किया तो पंद्रह हजार तो ये आ गया सेवेंटी फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव थर्टी थाउजेंड खत्म हो गया ट्रीटमेंट तो मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में और कैसे उल्टा सीधा करना है अब कॉन्टीजेंसी रिजर्व है पी एंड एल है की एंट्री करते हैं जरा पी एल क्या हो रहा है दोबारा से बताइए एल हो रहा है क्रेडिट तो पी एल को क्या करूंगा पी एल को कर दूंगा टू डी ई एफ किस रेशो में ओल्ड रेशो में तो सबका ट्रीटमेंट सेम है मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया और यह कॉन्सेप्ट पूरी की पूरी पार्टनरशिप पे लगेगा और कोई भी चैप्टर हो और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या करते हैं ओल्ड रेशो में बांटते हैं आपको छोटी सी बात याद रखनी है पेपर में आ गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आपको यह पता होना चाहिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड में आता है और असेट का मतलब होता है डेबिट तो अगर इतना आपको पता है तो डेबिट का बस उल्टा कर देंगे और ओल्ड रेशो में बांट देंगे तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ओल्ड रेशो में दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट वो हम करेंगे इसकी कंटिन सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट दोस्तों और एक और इंपॉर्टेंट बात 23 मार्च तक पूरा का पूरा मैं वीडियोस ऑनलाइन क्लासेस में पूरा का पूरा आप सबको सपोर्ट करूंगा और इसके लिए डाउट सेशन के लिए या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है कि सर एक, एक बार रिवाइज करा दें तो उसके लिए हम अपना एक टेलीग्राम ग्रुप भी लॉन्च कर रहे हैं और जो उसका टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आप बच्चे वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उसके अंदर हम धीरे धीरे करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके भी अगर डाउट्स हैं तो वहीं पर हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में